नमस्ते दोस्तों, हेल्प ट्यूर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HDFC के इंस्टा सेविंग अकाउंट का UPI पिन बना करके देखेंगे। हम UPI पिन फोन पे में बनाएंगे और वही UPI पिन गूगल पे, पेटीएम और अमेजन पे UPI में भी काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास फोन पे एप्लीकेशन है, इसमें मैं आपको UPI पिन बना करके दिखाऊंगा और ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा कुछ पैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर आपको जाना है माई मनी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट्स के नीचे UPI लिखा हुआ है, उसके नीचे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जितने बैंक अकाउंट जोड़े हुए हैं यहाँ पर शो करेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट में हमारा HDFC बैंक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन ट्रिक जहाँ पर होता है वो डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट होता है। तो दोस्तों, अगर आपका अभी UPI पिन बना हुआ नहीं है और चेक बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्ड नंबर सारा डिटेल मांगने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा UPI पिन रजिस्टर नहीं है, तो पहले UPI पिन रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप अपना UPI पिन डाल करके अपना पैसा देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या डालना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा इंस्टा सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड है रुपए का। यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट 6 डिजिट मैं आपको दिखा रहा हूं, 588054, और यहां पर उसके बगल में एक्सपायरी डेट होगा, वो यहां पर डाल देना है। ठीक है, डाल करके और प्रोसीड करना है। तो फटाफट से मैं डाल देता हूं। दोस्तों, यहां पर मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कार्ड नंबर वो मैंने डाल दिया है, एक्सपायरी डेट भी डाल दिया है। प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पर देख सकते हैं, और बैंक से OTP आएगा, ऑटोमेटिक यहां पर डिटेक्ट कर लेता है। यहां पर देख सकते हैं ये डिटेक्ट हो चुका है, और यहां पर पूछ रहा है कि इंटर ATM पिन। आपको अपने ATM का पिन डालना है जो कि आपके वेलकम किट में मिला हुआ था या फिर अलग से भी मिला हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या डालना है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि हमारा ATM का पिन जो है वो मिला हुआ था 4464। यहां पर देख सकते हैं हमने अभी इसे चेंज नहीं किया है, जो वेलकम किट में आया था अलग से उसी को यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे 4464। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और डाल देते हैं 4464। यहाँ पर हमने डाल दिया है, शो करके देख सकते हैं। आपको कंफर्म करना है या फिर हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट UPI पिन पूछने लगा है। आपको HDFC बैंक में 4 अंकों का UPI पिन सेट करना होता है, तो मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1999 1999, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेट कर दिया है, ये पिन डाल दिया है, ये मेरा UPI पिन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके हमें दोबारा से डालना होगा कंफर्म करने के लिए। तो फिर से मैं 1999 यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1999 फिर से कंफर्म UPI पिन में डाल दिया है। उसके बाद क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा UPI पिन सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि UPI पिन सेट सक्सेसफुली सेट हो गया है। और अब हम यहाँ पर चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पैसा यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वही UPI पिन डालेंगे जो अभी हमने सेट किया है 1999। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट का बैलेंस शो कर देगा, बता देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,955 रुपये है। ठीक है, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है तब भी आपको यही UPI पिन डालना होगा, और पैसे चेक करने के लिए भी आपको यही UPI पिन डालना होगा। किसी से पैसे लेने के लिए आपको कोई भी UPI पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी को पैसे भेजने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है 2 मोबाइल नंबर, डायरेक्ट मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं, और डायरेक्ट बैंक अकाउंट और UPI ID पर पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं UPI ID से पैसे भेज करके दिखाऊंगा UPI ID पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट, अभी एक भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। अगर भेजना होगा तो हमें UPI ID पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें UPI ID पर पैसे भेजने हैं। यहाँ पर ऐड UPI ID पूछ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें अपना UPI ID डाल देना है, चाहे वो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी का हो। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना UPI ID डाल दिया है जो कि भीम ऐप का है। तो वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वेरीफाई करके नाम बता देगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसने यहाँ पर नाम बता दिया। आप चाहें तो कुछ भी निक नेम डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पर सब सेव कर देना है। सेव करेंगे तो यहाँ पर पैसे भेजने के लिए पूछने लगेगा। तो मैं यहाँ पर 5,000 आपको भेज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है 5,000। यहाँ पर 5,000 हो गया। यहाँ पर कुछ नोट लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप दूसरा बैंक से पैसा भेजना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर HDFC से ही पैसा भेजना चाहते हैं तो इसी के ऊपर छोड़ देंगे ये हरा वाला टिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
क्लिक करके सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यूपीआई पिन पूछेगा, फिर से आपको डाल देना है वही वाला जो कि हमने अभी सेट किया है 1999। इस तरह से हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, मनी ट्रांसफर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं SMS आ गया है HDFC की ओर से और हमारा पैसा चला गया है। ठीक है, यहाँ से आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके अपना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि UTR नंबर शो कर रहा है जो कि बैंक का ट्रांजेक्शन ID है और ये हमारा UPI ID जिस पर पैसा चला गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर ऑप्शन है, शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर। और यही UPI ID गूगल पे फोन पे सारे में काम करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको फोन पे में मनी ट्रांसफर करके दिखा दिया है, अब मैं आपको गूगल पे में मनी ट्रांसफर करके दिखाऊंगा सेम UPI ID से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे में बैंक ऐड करना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करना होगा जहाँ पर जय लिखा हुआ है। आपका जो भी नाम होगा वहाँ पर नाम नंबर सब कुछ शो कर देगा, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है, UPI ID भी शो कर रहा है। यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट है तो ज्यादा बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैंक अकाउंट शो कर रहा है, ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऊपर ही HDFC का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर शो कर रहा है, इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके सिम को वेरीफाई करेगा और आपका बैंक आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक आ गया है और यहाँ पर भी आ गया है, देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो कंटिन्यू कर देते हैं, करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैंक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट प्रोसेस में है ऐड होने के लिए और यहाँ पर ऐड हो गया है, देख सकते हैं बैंक अकाउंट एडेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो बैंक अकाउंट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ। अगर आप गूगल पे में HDFC का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर व्यू अकाउंट बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैंक चुन लेना है HDFC बैंक और यहाँ पर आपको UPI पिन डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी UPI पिन मांगेगा 4 अंकों वाला, तो जो हमने फोन पे में बनाया है वही वाला यहाँ पर भी डाल देंगे 1999। क्लिक करने के बाद ठीक है 1999 हमने डाल दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस शो कर देगा 7,955 रुपये यहाँ पर बच गए हमारे। अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसके लिए चलते हैं बैंक, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको किसी नए नंबर या फिर अकाउंट नंबर या फिर UPI ID पर पैसे भेजने हैं तो न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट आप पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट फोन नंबर पर आप पैसे भेज पाएंगे UPI ID पर और स्कैन करके भी यहाँ से पैसे भेज पाएंगे, और बैंक ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट यहाँ से भेज पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर शो कर रहा है, नाम भी शो कर रहा है, पहले से जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको इसमें पैसे भेजने हैं तो पे ऑप्शन करना है, पैसे लेने हैं तो रिक्वेस्ट ऑप्शन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर 3,000 रुपये डाल देता हूँ जो कि मुझे भेजने हैं। ठीक है, 3,000 और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर HDFC डिफॉल्ट में आ गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके चाहें तो अपना बैंक चेंज कर सकते हैं। तो मेरा HDFC ही ठीक है, पे 3,000 के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रांट करना है जो कि लोकेशन ऑन करवाएगा और आपका UPI पिन पूछेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पैसे भेजने के लिए UPI पिन पूछने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताता है कि सेंडिंग यानी पैसे भेज रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो UPI पिन डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फिर से UPI पिन डाल रहा हूँ जो कि फोन पे में बनाया था, वो सेम UPI पिन यहाँ पर है और यहाँ पर मैं पैसे भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे चले गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पैसे भेज पाएंगे। अगर आप पैसे रिसीव भी करते हैं तो यहीं पर शो करेगा, यहाँ पर बगल में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से पैसा आया हुआ है 32,000 रुपये, तो कुछ इस तरह से रिसीव करेगा और पैसे भेजेंगे तो कुछ इस तरह से रिसीव करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैं आ गया हूँ अमेजन पे UPI में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेजन पे में ऑप्शन में आ गया हूँ, उसके बाद यहाँ पर अमेजन पे UPI शो कर रहा है। अभी तक हमने यहाँ पर UPI रजिस्टर नहीं किया है, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सिम वेरीफाई करेगा, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक का ऑप्शन चुनने के लिए आ जाएगा, तो HDFC ऊपर है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद बैंक चुनेंगे, उसके बाद बैंक शो करेगा और हमारा UPI पिन तो पहले से रजिस्टर है ही। यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर आ गया पहले से, UPI ID भी यहाँ पर शो करने लगा है। कंटिन्यू कर देते हैं इसी पर
और हमारा UPI रजिस्टर हो गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा UPI ID शो कर रहा है, यहाँ से आप दूसरा UPI ID भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बैलेंस चेक करना है तो नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर बैंक अकाउंट ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक अकाउंट बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको UPI पिन पूछेगा बैलेंस चेक करने के लिए। यहाँ पर मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ जो कि 1999 है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है और आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ पर भी शो कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको पैसे भेजने हैं अमेजन पे UPI से तो यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे या फिर स्कैन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं सेंड ही कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पर UPI ID और फ़ोन नंबर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको UPI ID पर पैसे भेज करके दिखाऊंगा फ़ोनपे के, तो यहाँ पर फ़ोनपे वाला UPI ID डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ोनपे वाला UPI ID डाल दिया है। आप किसी भी ऐप से किसी भी ऐप के UPI ID पर पैसे भेज सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नाम शो कर देगा, यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट पूछने लग गया है और यहाँ पर एक ऑफर बता रहा है, देख सकते हैं कि ऑफर अप्लाइड विन ए स्क्रैच कार्ड, कोई स्क्रैच कार्ड हमको देगा। तो यहाँ पर मैं अपना 2000 रुपया डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2000 डाल दिया और यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेंड के ऊपर क्लिक किया, वहीं वाला UPI पिन पूछेगा जो कि हमने फ़ोनपे में बनाया था, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, और क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 2000 रुपया चला जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2000 चला गया है। बैंक का रेफरेंस नंबर यहाँ पर है, सारा डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पर दिया है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑफर अनलॉक हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना अमेजन पे UPI से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक और भी बहुत सारे UPI ऐप पर सेम UPI पिन से अपना मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।